पार्ट वन बना चुकी हूँ जो कि बहुत कम लोगों ने देखा है। आज मैं अपनी वीडियो पार्ट टू का कलेक्शन दिखा रही हूँ जो कि बैंगल्स के, जो कि कांच की चूड़ियाँ हैं मेरे पास बहुत सारी हैं और बहुत ही खूबसूरत है जो कि सबको पसंद है। और मुझे खुद चूड़ियाँ और साड़ी बहुत पसंद है, बेहद पसंद है। कोई कुछ भी पहने लेकिन जब साड़ी पहनती है तो बहुत ही खूबसूरत लगती है और इसके साथ चूड़ा भी आप मैचिंग करो तो और भी सुंदर लगते हैं जो भी पहने। और दूसरी बात, मेरे पास कांच की चूड़ियाँ हैं और मेटल की भी हैं, कंगन भी हैं, कड़े भी हैं। आप लोग समझे कि मैं एक चूड़ी की दुकान रखी हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत दिनों से इकट्ठा किया है, मुझे बहुत पसंद है इसके लिए तरह तरह की चूड़ियाँ। जब भी शॉपिंग करने जाती हूँ तो अपने लिए तो ज़रूरी चूड़ियाँ कंगन ले आती हूँ, त्यौहार पर भी हम लोग लेते ही हैं। और मतलब जितनी सारी साड़ी हैं उतना तो चूड़ियाँ ही रखते हैं मैचिंग के, उतना नहीं होता है थोड़ा बहुत तो मैचिंग करते ही हैं, वो है मेरे पास। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको मिक्स करके मल्टी कलर बना सकती हैं। और मेरे पास बहुत सी चूड़ियाँ हैं, आप देख लीजिए आपको इसमें से कौन सी चूड़ियाँ पसंद आती हैं और देखिए मेरी चूड़ियों का कलेक्शन। और इसके साथ मैं आपको चूड़ा भी दिखाती हूँ। चूड़ा में मेरे पास ये देखिए रेड कलर का चूड़ा है और मरून भी है और ये भी मरून ही है। और ये चूड़ा मेरा बहुत अभी जो लेटेस्ट निकला, दिवाली पे मैंने मंगवाया था, ये बहुत ही खूबसूरत है। और या तो आप जींस पे पहनो तो भी अच्छा लगेगा, साड़ी पे पहनो तो भी अच्छा लगेगा, चूड़ा तो खैर सबको ही जमता है। और ये देखिए मेरे पास मेटल की चूड़ियाँ हैं जो कि प्लेन है, इसमें मैंने कंगन भी मिक्स करके रखा है, ये भी आप पहन सकती हैं। और भी हैं मेरे पास चूड़ियाँ, मैंने उसमें रखा है कांच की चूड़ियाँ जो कि इधर है, उसमें जगह नहीं है तो मैंने यहाँ पर रखा है अपनी चूड़ियों का कनेक्शन। ये जो है इसके अंदर कनेक्शन है, ये जो मैंने लगा के रखा है इसमें, आप देख लीजिए मैचिंग करके मैंने रखा है। मेरे पास बहुत सी चूड़ियाँ हैं और जो कि मुझे बेहद पसंद हैं। ये बंद नहीं हो रहा, ये देखिए फिर से मैं आ गई आपके पास आप लोगों को अपनी चूड़ियाँ दिखाने। देखिए मेरी चूड़ियाँ, अगर आपको अच्छा लगता है मेरी चूड़ी तो प्लीज़ आप मुझे बताइए और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू, लव यू फ्रेंड्स।